एक महिला है, उसका जो बयान था मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता यहाँ पे। एक सांसद महोदय थे, उसने कहा मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हैं। तो इनका जो प्लान है, इनका प्लान है कि हिंसा की तरफ ये धकेलना चाहते हैं। और आज आप प्रेस के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि मोदी जी और खट्टर साहब आप भी सुन लो, ये किसान आंदोलन और आंदोलन से भिन्न है। अगर आपको इस कुचक्र से आप तोड़ने का प्रयास करोगे तो पूरे देश में जवाब दिया जाएगा। बात केवल हरियाणा की नहीं है, इस आंदोलन के साथ पूरा देश खड़ा है। हमारे दूसरे साथी भी हरियाणा के यहाँ पे आने वाले हैं, वो बताएंगे आपको, अभी प्रेस वार्ता में आएंगे। तो मेरा एक वहां के हरियाणा के जो हमारे किसान साथी हैं, तमाम संगठन, ये संयुक्त मोर्चा का फैसला है, किसी का फैसला नहीं है, उनसे हमारा एक निवेदन है, विनती है। और कल हमने बैठक में तय किया है कि जो हमने कार्यक्रम दिया है हरियाणा में काले झंडे दिखाने का, विरोध प्रदर्शन करने का, वो हमारा जारी रहेगा, लेकिन उसकी कुछ गाइडलाइन है। आपको शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से झंडे हाथ में लेके नारे लगाने हैं। अगर वो उकसावे की कार्रवाई करती हैं तो आपको उकसावे में नहीं आना है, एक लिमिटेशन, एक दायरे से आगे आपको नहीं बढ़ना है। अगर किसी का काफला आता है, आप काले झंडे दिखाओ, नारे लगाओ, सड़क पे बैठ जाओ। वे अपनी गाड़ियां तोड़ते हैं, हमारे लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं। इतनी नीच हरकतों पर वहां की खट्टर और जजपा सरकार उतर आई है कि इस तरह से की व्यवस्था से सरकारें नहीं चलती। एक दूसरा विषय है, हरियाणा में हमारा जो विषय है वो बड़ी मजबूती के साथ जन जन तक, घर घर तक आंदोलन है। और वहां पे एक प्रक्रिया के तहत ये चल रहा है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करेंगे, लेकिन इसको हिंसा में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 14 तारीख को जानबूझ के अंबेडकर जी के कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पे लगाए हैं, अंबेडकर जी की जयंती पर। तो उसमें वो चाहते हैं कि टकराव हो। हमारा अपने किसानों से निवेदन है कि संयुक्त मोर्चे का ये फैसला है कि किसी कार्यक्रम में विघ्न न डालते हुए आपको विरोध करना है, नारे लगाने हैं, काले झंडे दिखाने हैं, आपको वहां पे मजबूती से विरोध करना है, लेकिन किसी भी उकसावे में आकर कोई हिंसा नहीं करनी है। 14 तारीख को हम संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे पूरे देश में, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब तमाम जगह शामिल हैं, हम उस दिन को किसान बहुजन एकता और संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। और उस दिन की जो कमान है वो इस आंदोलन की कमान दलित भाइयों के हाथों में रहेगी। मुख्य फ्रंट पे हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आंदोलन का सहयोग करते रहे हैं, जिस तरह से बहुजन पंचायतें हरियाणा में तो बहुत एक अच्छा भाईचारा, एक सोशल हारमोनी देखने को मिली है, कि जिस तरह से हरियाणा, पंजाब और तमाम जगह पे हमारे बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज की पंचायतें कर रहे हैं, उससे इस आंदोलन को और दृढ़ता मिली है। और हरियाणा सरकार को, क्योंकि हरियाणा के भाई हैं, अगर ये बात कहेंगे तो लगेगा सरकार को कि अपने मुकदमों के लिए कह रहे हैं, हम एक चेतावनी और देना चाहते हैं। आज हम इस आंदोलन में व्यस्त हैं, जिस दिन ये आंदोलन हमारा पूरा होगा और यहाँ से हम अपने घरों को जाएंगे, तो पहले जो हरियाणा में ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इनको खत्म कराएंगे, उसके बाद घर लेटेंगे। सरकार ये ना समझे कि मुकदमे पे कोई बोल नहीं रहा। अगला आंदोलन हमारा तुम्हारे लिए भी होगा, लेकिन अभी हम राज्य के विषय को छेड़ नहीं रहे। हमारे 4 साथियों को जेल भेज दिया गया, रवि आजाद को रास्ते से पकड़ के जेल भेज दिया गया, केवल उसका इतना अपराध था कि उसने सोशल मीडिया पे कुछ कहा था। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अभी व्यक्ति की आजादी का अधिकार है, कोई ऐसे गलत शब्द नहीं उसने कहे थे। 4 साथियों को हमारे जेल भेज दिया गया। हम रोहतक की, सरसा की और जितने भी लाठीचार्ज हुए हैं, निंदा करते हैं, हिसाब तो हम एक घटना का लेंगे, लेकिन अभी हम देश के आंदोलन को देख रहे हैं। तो खट्टर साहब, मोदी जी, आप भी कान खोल कर सुन लें कि आपकी जो डराव और थकाव की नीति है, उससे हम ना डरने वाले हैं ना थकने वाले हैं। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हरियाणा के साथियों से पुनः एक बार निवेदन है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखें, किसी भी उकसावे में आकर इसको हिंसा में परिवर्तित ना होने दें। सरकार के षड्यंत्र का आप पर्दाफाश हो चुका है, आप इसको पहचानिए। दूसरा विषय मेरा ये है कि 500 रुपए यूरिया की एक बोरी पे बढ़ा दिए गए। मोदी जी दावा करते थे कि 2022 में जो है हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। एक साल बचा है, आप कला भी कर दोगे तो आमदनी दोगुनी नहीं कर सकते। एक ही तरीका है कि जो आज रेट है आज उसका आप डबल घोषित कर दो।
आप समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे डबल, तो आप क्या कर दोगे? आपने जो कहा कि 2022 में हम आमदनी दोगुनी करेंगे, वो भी आपका जुमला ही साबित हो चुका है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर रेट बढ़ते हैं तो आपको सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। सब्सिडी तो वो दोगे जो 50 साल पहले मिलती थी, और खर्चा कंपनियां जोड़ देंगी। यूरिया की कीमतें फिक्स हैं, उसकी जो नीति है उसकी नीति में ये है कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो उसके साथ सब्सिडी बढ़ जाएगी, इसलिए यूरिया में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती। कंपनी राज का उदाहरण है ये, इपको कर्ब को, ये जो कंपनियां हैं इनको रेट तय करने का अधिकार है इस वाले में, डीएपी में। हाँ, ये डीएपी का जो है उसमें केएमपी में सब्सिडी फिक्स है, और उसमें यूरिया में सब्सिडी फिक्स नहीं है, वो रेट के हिसाब से बढ़ती है। तो सब्सिडी फिक्स है और खर्चा अगर बढ़ जाता है तो हमारे डीएपी के दाम बढ़ते हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सब्सिडी बढ़ाई जाए। अभी हमारे पास मई तक बहुत काम है, स्थानीय स्तर पर हम खाद की बड़ी कीमतों को लेकर भी संयुक्त मोर्चे की अगली बैठक में तय करके बड़ा प्रदर्शन इनके खिलाफ करेंगे। सरकार को तुरंत जो है हमारी सब्सिडी को बढ़ाकर रिलीज करना चाहिए। धन्यवाद। अब मेरे जो दूसरे साथी हैं विकास भी साथ, मुकेश शर्मा जी। हाँ मुकेश शर्मा जी, विकास आकर आ गई, सब तो पहला था मीडिया वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों कल साड़ी जिहड़ी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई सी, उसकी प्रधानगी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने की सी। उहदे विच एक फैसला लिया गया भी कल KMP ते KGP ये दोनों रोड जिहड़े आ 24 घंटे दे लई सवेरे 8 बजे तो 10 बजे 10 तरीक नूं ते 11 8 बजे तक सवेर नूं रुके जाणगे। उहदे विच जिहड़ा आ संयुक्त मोर्चे वल्लों अपील की गई आ भी एमरजेंसी जिन्नियां भी सेवावां आ उहनां नूं चालू रख्या जाऊगा, ते नाल ही असीं जिहड़े इत्थे दे लोकल लोक आ जिहड़े सानूं पहले दिन तो बहुत सहयोग दे रहे आ इस अंदोलन नूं, उन्हां नूं भी असीं अपील की आ भी वह कल भी साडा पूरा सहयोग देण, इहनूं पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके नाल रख्या जाऊगा। दूजा जिहड़ा हैगा जी 13 अप्रैल नूं जो जिलियांवाले बाग विच इक साका होया सी जिथे साडे बहुत लोक शहीद होए सी, ते नाल ही साडे खालसा पंथ की स्थापना विसाखी वाले दिन होई सी, वह साडे जिन्ने भी धरने चलते आ वह बार्डरां ते उस दिन ये दिहाड़े मनाए जाणगे, ते शहीदां नूं श्रद्धांजलि भी दित्ती जाऊगी। अगली कार्रवाई हुण अगे साथी करनगे जी। विकास सिसर जी हरियाणा तों जुड़े आ, विकास सिसर जी। साथियों नमस्कार, पहले तो माफी चाहूंगा आप तक थोड़ा लेट हो गया काम की वजह से, और क्योंकि मेरा संबंध ज्यादा हरियाणा तय है तो हरियाणा के विषय में दो तीन बातें आपको बताना चाहूंगा। एक तो सरकार जो है पिछले दिनों जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो घोषणा कर रखी थी, JJP और BJP के जितने भी मंत्री हैं या MLAs हैं मुख्यमंत्री, उनका विरोध करने की, उस विरोध के दौरान हमारे बहुत सारे साथियों के ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं नाजायज तरीके से, और विशेषकर माँ भी जो तुरंत की घटना है हिसार के अंदर महिलाओं के ऊपर भी मुकदमे बनाए हैं। चलो कोई किसान नेता पर कोई मुकदमा बना दे अलग बात है, लेकिन जो महिलाएं हैं हमारी, एक लड़की है मनीषा बिश्नोई और समेत जिसमें मेरा नाम भी समेत दिया गया है, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी ये देना चाहूंगा कि चलो किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे बना दे, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे बनाना ये सरकार के लिए और प्रशासन के साथियों के लिए भी शर्मनाक है। और जिन भी साथियों के ऊपर भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो हिसार की बात हो, चाहे रोहतक की बात हो, चाहे भिवानी की बात हो, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ में खड़ा है। उन्होंने जो विरोध किया वो संयुक्त किसान मोर्चे की कोल के ऊपर किया, और पूरी मदद जो है संयुक्त किसान मोर्चा उस पर करना चाहेगा। दूसरी बात जो इन विरोधों के विषय में मलिक साहब ने भी आपको बताया, मैं विशेष तौर पर मेरे हरियाणा के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि साथियों जिस किस्म से सरकार हमें आपस में लड़वाना चाहती है, जिस किस्म की रणनीति सरकार बना रही है, आपको अपना जोश को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा। और जो संयुक्त किसान मोर्चे की कल की जो मीटिंग हुई उसमें जो विशेष निर्णय जो हरियाणा के विषय में लिया गया, विशेषकर क्योंकि हरियाणा में थोड़ा जोश ज्यादा हो चुका था, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने यह फैसला लिया कि सभी साथियों ने विरोध तो जारी रखना है, लेकिन
काले झंडे दिखा कर या नारे लगा कर, कहीं भी आपने इनके साथ में इनके कार्यकर्ताओं के साथ में भिड़ना नहीं है, बिल्कुल दूर से शांति से हमने विरोध करना है। और विशेष ध्यान रखना 14 तारीख का जो हम भी अपना दिवस बना रहे हैं कि संविधान बचाओ किसान बचाओ के रूप में, उस दिन इन्होंने जिला वाइज जो घोषणा कर रखी है हरियाणा के अंदर की, जिला वाइज बीजेपी के नेता भी जो है अम्बेडकर दिवस बना रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले घोषणा की थी कि हम 14 तारीख को जो है संविधान दिवस बनाएंगे, तो सरकार ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ में झगड़ा करवाने के लिए, किसानों को बांटने के लिए, किसानों के आंदोलन को जातियों में बांटने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने हैं। हमने केवल सिर्फ इतना करना है, जो हमारे भाई हैं बहुजन समाज के सभी साथियों को न्योता देना है, और उस दिन हम 14 तारीख को सारी की सारी स्टेजें जो है बहुजन समाज के भाइयों को देने वाले हैं। कहीं भी हम बीजेपी का सिवाय एक जिले के अंदर कैथल के अंदर, इसमें संयुक्त मोर्चे के अंदर फैसला हुआ केवल कैथल को छोड़ के, कैथल के अंदर पहले से प्रोग्राम डिसाइड था उप मुख्यमंत्री का, पहले से ही जो हरियाणा के संगठनों का प्रोग्राम डिसाइड था, कैथल के अंदर हम उप मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से काले झंडे दिखाकर नारे लगाकर, संख्या हमारी वहां अच्छी रहेगी और जिम्मेवार व्यक्ति उस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बाकी कहीं भी हरियाणा में हमने किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं रखा है, कोई भी साथी अपने मर्जी से इस प्रकार का प्रोग्राम ना करे, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चे के हिसाब से करे। और कल जो है केएमपी जाम का जो है, मैं हरियाणा के किसानों से निवेदन करना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे के सारे किसान साथी सुबह 8 से अगले दिन 8 बजे तक हम जाम रखेंगे, और विशेष जोर जो है धन्ना भगत जयंती के ऊपर भी हमने डिसाइड कराया है कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो है राजस्थान से जो मिट्टी लेकर किसान साथी आएंगे उसका विशेष ओकेजन विशेष आयोजन जो है टिकरी बॉर्डर के ऊपर किया जाएगा, उस आयोजन के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पहुंचे, किसान साथी पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथी आशीष जी मित्तल। धन्यवाद साथियों, आप सब जानते हैं हम चर्चा करते रहे कि इन कानूनों से जमीन मंडी और राशन सरकारी खरीद और खाने के बाजार पर कंपनियों का और विदेशी कंपनियों का कब्जा होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमारी सरकार ने पहले हमसे कहा कि वो कानूनों पे जो गलत है उसको ठीक करने को तैयार है, अब वो लगातार जो है इस दुष्प्रचार में लगी है। अभी हाल में जो भाजपा का स्थापना दिवस था उसमें प्रधानमंत्री ने फिर बोला है कि किसान जमीन के सवाल पर गलत बयान कर रहे हैं। हम लोगों ने कल संयुक्त मोर्चा में तय किया कि हम इस पूरी बातों का खंडन करते हुए और इसका जो है विस्तार करते हुए आंदोलन का, हम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ आंदोलन तेजी से नहीं बढ़ा है वहाँ पर इस प्रचार को तेज करेंगे, उनको लिखित रूप से स्पष्टीकरण देंगे संयुक्त मोर्चा की ओर से, और देश भर के किसानों का हर राज्य के किसान संगठनों का एक राष्ट्रव्यापी सम्मेलन दिल्ली में बहुत जल्दी आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद है कि हम आंदोलन को वैसा ही एक स्थायी शांतिपूर्वक मजबूत विरोध का रूप देश के हर प्रांत में दे सकें, जहां ताकि वहां की राजधानियों के आसपास इस तरह के मोर्चे लगें, वहां पे किसान इस आंदोलन में भागीदारी करने के, क्योंकि वो दूर बैठे हैं दिल्ली से, उनको भी मौका रहे कि वो इन नीतियों का विरोध करें और इन कानूनों की वापसी तथा MSP कानून की मांग उठा सकें। इस आधार पर इस मामले को तेज करने के लिए, इस आंदोलन को इस रूप से तेज करने के लिए हम बहुत जल्दी तैयारी करके डेट घोषित करके दिल्ली में एक देशव्यापी सम्मेलन करेंगे जिसमें इसके आगे की योजना घोषित की जाएगी। दूसरा हमारा जो योजना है कि हमें दिल्ली सरकार को घेरने के लिए दिल्ली संसद पूछ करना है, उसके बारे में हम अगली बैठक में विस्तार से चर्चा करके आपको जानकारी देंगे। हम समझते हैं कि आंदोलन के क्षेत्र में देशव्यापी भागीदारी हो, आंदोलन में भाग लेने वाले जो विभिन्न तबके हैं किसानी से जुड़े हुए, हमारे जमीन वाले किसानों का शुरुआती आंदोलन के अंदर भागीदारी तेज रही है, लेकिन जो बिना जमीन वाले हैं, जो बटाईदार किसान हैं, जो मछुआरे हैं, जो आदिवासी हैं, हर क्षेत्र के लोग इसमें भाग लें, क्योंकि इसका असर
पूरे देश के अंदर पड़ने वाला है। इन कानूनों से पूरे देश की खेती और पूरे देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल जाएगा, ये हमारा चिंतन है। इसलिए व्यापक भागीदारी को गोलबंद करने के लिए हम ये सम्मेलन की घोषणा यहाँ कर रहे हैं। जगतार सिंह बाजवा जी, उत्तराखंड। धन्यवाद आप सबके संज्ञान में है कि आंदोलन जो है लंबे समय से किसान मजदूर सड़कों पर बैठे हैं और इस आंदोलन के सामने चुनौतियां हैं कि इस सरकार की नीतियों से हमें लड़ना पड़ रहा है और जो स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही आज जो सरकार सत्ता में है उसकी नीयत से भी इस आंदोलन को लड़ना पड़ रहा है, वो भी चुनौती का सामना हम सब कर रहे हैं। और उसका प्रमाण है कि आंदोलन के बीच में एक देश के प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं कि MSP थी, है, रहेगी, लेकिन आज गेहूं की फसल आई है और मंडियों में MSP का जो दाम है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर इस पर पार्टी के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे ये पूछा जाए कि देश के प्रधानमंत्री जो संसद में बोल दें और वो आज पूरा नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके साथ ही जब पूरे मजदूर किसान सड़कों पर बैठे हों और खाद का दाम जो है वो 50-60% बढ़ा दिया गया है, डीजल पेट्रोल है वो आपके सामने है कि कितना महंगाई पर है, ये सारी उकसाने की कार्रवाई है। क्योंकि नीयत जो है, नीति जो है वो किसानों को, किसानी को गुलाम करने की है और सरकार के संगठन की जो नीयत है वो आपस में फूट डालने की, और ये जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है किसानों का लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत, इसको उकसाने की कार्रवाई भी है। इस आंदोलन के बीच में इतनी बड़ी वृद्धि कर देना, तेल के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो ये जो उकसाने की कार्रवाई है इससे हमने सावधान भी रहना है। और सरकार से भी ये हमारा स्पष्ट कहना है कि अब किसानों मजदूरों का इम्तिहान ना लो, ये जो समय है ये अपनी हरधर्मिता को छोड़ करके सरकार ये जो बढ़े हुए रेट हैं खाद के इनको भी वापस ले, और जो डीजल के रेट हैं, पेट्रोल के रेट हैं जिन पर इतना टैक्स आम जनमानस से वसूला जा रहा है उसको भी कंट्रोल करें, और विशेषकर इस समय जो हमारी फसल है मंडी में, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा MSP थी, है, रहेगी, अपने उस वाक्य को पूरा करें और हमारी जो फसल है किसानों की वो उचित दामों पर इस समय बिक सके। धन्यवाद। स्टेज नंबर दर। स्टेज नंबर दर। नमस्कार साथियों, साथियों आज देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेशवासियों से, हरियाणा से, दिल्ली से और पंजाब के भाइयों से, सबसे राजस्थान से सबसे अपील करना चाहूँगा कि किसी देश में आंदोलन होता था तो सरकारें डरती थी, लेकिन आज आंदोलनकारियों को डर के रहना पड़ रहा है, कभी ये सरकार दंगा ना करवा दे। तो मैं सबसे ये बात अपील करना चाहूँगा कि ये सरकार उकसावेगी, कार्रवाई करेगी और सब शांति के साथ विरोध करना है, काले झंडे तक सीमित रखना है, इससे आगे हमें नहीं जाना, क्योंकि ये सरकार बने बनाए काम को बिगाड़ने पर तुली हुई है। जैसे आज आप दिल्ली में देख रहे होंगे किस तरह आज मंडियों में किसानों की अनदेखी की जा रही है, किस तरह आज MSP थी, है, रहेगी, तो ये तो मोदी साहब अपने नज़दीकी दिल्ली की नरेला मंडी, नजफगढ़ मंडी में जाकर देख ले। और मेरे बड़े छोटे भाई दीप खत्री ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो कुछ आज खरीदारी होने का कुछ नजफगढ़ मंडी में और यहाँ पे, भाई दीप खत्री का मैं इसमें धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उनके दो शब्द भी सुनना चाहूँगा। जय। साथियों, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और भाजपा भी आंदोलन कर कर के ही इस मुकाम पे पहुंची है। 2014 से पहले जिन कामों के लिए आंदोलन किया करती थी भाजपा सरकार, अब की सरकार जो भाजपा है, भाजपा पार्टी, वही अपनी क्लिपें उठा ले, वही पूरा कर दे, हम उससे ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे। एक साथियों, 24 से लेकर 30 अप्रैल तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नौजवान, बुजुर्ग, रिटायर्ड जो साथी हैं हमारे, हमारी बहनें, माताएं, वो 24 से 30 तारीख के बीच ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने संबंधित बॉर्डर पर पहुँचें,
जैसे पंजाब वाले, हरियाणा वाले सिंघू टिकरी आते हैं, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश वाले गाजीपुर, राजस्थान, और जो राजस्थान की सीमा के साथ लगे हुए जिले हैं हरियाणा के और मध्य प्रदेश के लोग, वो शाहजहाँपुर पे आएंगे, तो ताकि संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ ही मैं बात करूंगा अब हमारे दीप जी खत्री जी से। दीप जी खत्री अपनी बात रखेंगे, काफी मेहनत की उन्होंने। दीप जी खत्री, सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। मैं आपका ध्यान दिल्ली की तरफ करना चाहूंगा। कल एक डेलीगेशन गया था किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली में नरेला मंडी और नजफगढ़ मंडी को देखने के लिए, तो दिल्ली में भी MSP नहीं मिल रही है, देश की राजधानी है और इसी राजधानी में ये कानून बने हैं और प्रधानमंत्री जी इसी दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली की मंडियों में भी अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है FCI के द्वारा, और 3-4-5 दिनों से है जो मंडियों में रोजाना है गेहूँ आ रहा है। FCI कह रही है कि मंडियों में गेहूँ खरीद नहीं करेंगे, आप FCI गोदाम पे लेके आओ, और 2 दिन से किसान गोदाम पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे भी उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है, FCI का जो गोदाम है वो बंद कर रखा है। दूसरा, दिल्ली के किसानों के साथ एक बड़ा धोखा ये भी हो रहा है कि हरियाणा और पंजाब में जैसे ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, दिल्ली में ऐसा कोई पोर्टल नहीं बनाया गया और फसल पक के तैयार हो गई है। दिल्ली में पिछले 2 साल से है जो गांव जो है अर्बनाइज किए गए हैं, उस वजह से है जो जमीन का, जिसको हम खाता खतौनी बोलते, वो मिल जाता है, लेकिन गिरदावरी नहीं हो रही है। तो सरकार, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि गिरदावरी लेके आओगे तो आपकी फसल खरीदी जाएगी, तो उसमें भी ये प्रशासन फैल है, तो दिल्ली के किसानों के साथ धोखा हो रहा है। और 1700 से लेकर 1750 तक गेहूं खरीदे जा रहे हैं प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। इससे है जो मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का ये दावा है, MSP था, MSP है, MSP रहेगा, ये दिल्ली में ही झूठा पड़ गया है, पूरे देश में पता नहीं इसका क्या हुआ। दूसरा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, 18 तारीख को दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं, सिंघू बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है या गाजीपुर बॉर्डर है, तो वहाँ के गाँव के लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। ये दिन 18 तारीख का, 18 अप्रैल का दिन है, सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और आने वाले समय में गांव के साथ में जिन जिन को परेशानी हो रही है, सबसे हाथ जोड़ के माफी हम मांग रहे हैं, हमारी वजह से है जो सब परेशान है, लेकिन उन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए आंदोलन को अच्छी शक्ति दी है, और उनका सहयोग करने के लिए हमने 18 तारीख का दिन सहयोग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जिसमें हरियाणा के या आसपास के जो किसान नेता या जो भी लोग आना चाहेंगे, मंच उनके लिए वेलकम रहेगा, और कल्चरल प्रोग्राम भी आसपास के गांव के लोगों के द्वारा यहां किए जाएंगे। उसके साथ ही यहां पे गांव में सद्भावना बढ़ाने के लिए मेडिकल कैंप, छोटी छोटी पंचायतें, और भी कोई समस्या गांव के लोगों को होगी, उनके साथ में एक टीम बना दी गई, उनके साथ में बैठ के उनको परेशान नहीं करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अंत में KP जी बोलेंगे। KP जी, नमस्कार पत्रकार साथियों, आज का ये दिन हमने कल का मीटिंग में सबसे बड़ा ये बात डिस्कस किया था कि ये तो पर्दाफाश हो रहा है सरकार का, कि सरकार ने बताया था कि MSP रहेंगे सबके लिए, पर हमारा आंदोलन ने सबसे बड़ा ये जो मांग MSP है, लेकिन 7% किसानों को MSP मिल रहा है, दिल्ली में भी नहीं मिल रहा है, झारखंड में नहीं मिल रहा है, UP में भी नहीं मिल रहा है, कि देश का सभी देश में ये MSP नहीं मिल रहा है, उनका पर्दाफाश हो रहा है। हमको 1.5 गुना MSP का मांग था, लेकिन क्या हो रहा है, 1.5 गुना हमारा खर्च में बढ़ोतरी हो रहा, कि हमारा खाद का जो खर्च है अभी 1.5 गुना उन्होंने बढ़ोतरी किया, और 1200 रुपया से DAP का जो खर्च है 1900 रुपया तक उन्होंने बढ़ा दिया है, तो इसको क्या मतलब है। और ये भी बात है कि पेट्रोल और डीजल का कीमत अभी 40 रुपया करेंगे ये बताया था, वादा दिया था, अभी उन्होंने 100 रुपये में ले गया, तो इसका मतलब है कि हमारा ये आंदोलन स्थापित हो चुका है कि सारे देश का सामने कि ये सही आंदोलन है, और ये पर्दाफाश कर दिया भाजपा का, सरकार का और नरेंद्र मोदी जी का, इसलिए हमारे ये आंदोलन में आगे का क्या रणनीति होगा, इसमें भी हमने कल डिस्कस किया था। इसमें हमारा फैसला ये है कि अभी 22 जनवरी का बाद ये सरकार हमसे कोई डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो चुने हुए सरकार है,
चुने हुआ सरकार का जनवादी तरीके से जिम्मेदारी है कि जब इतना 4 महीने से ज्यादा एक आंदोलन चल रहा है स्वतंत्र भारत का इतिहास में, इतना बड़ा पैमाने पे आंदोलन किसी सबको नहीं किया जैसे किसान ने किया। अब किसान अभी ये फैसला करके ये सरकार से चेतावनी दे रहा है कि ये सरकार हमके डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमेशा बताया था डिस्कशन करने के लिए हम तैयार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तैयार नहीं है। मोदी जी को क्या तरीका, ये सारे देश का लोग देखते हैं। हम चेतावनी देते हैं कि ये सरकार आने वाले 9 तारीख का पहले, मई 9 का पहले ये सरकार हमको डिस्कस करके हमारा जेन्युइन जो मांग है वो मांग मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हम सारे देश का किसान संगठनों का एक बड़ा पैमाने का सम्मेलन दिल्ली में आयोजन करेंगे और वो सम्मेलन से हमने फैसला करेगा कि जैसे हमने आगे जितना बड़ा पैमाने पे हमने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च दिया था, इससे भी बड़ा पैमाने पे बड़े गुणे में लोग पैदल आके दिल्ली आएंगे। और वो दिल्ली में जैसे लोग आएगा, जैसे किसान आएगा, उनका साथ हमको सहयोग होगा मजदूर का और बाकी सारे सामाजिक तबकों का। और दिल्ली में सबसे बड़े आंदोलन ये सरकार का सामने हम करने वाले है और किसी भी तरीके में हम हमारा मांग से पीछे हटेंगे नहीं। हमारा 3 जो कानून काला कानून है वो काला कानून वापस करना और हम 1.5 गुना ये जो MSP ये सारे फसल में सारे देश का सारे किसानों को होना चाहिए, उसको कानूनी व्यवस्था होना चाहिए। ये जब तक मिलेगा उस समय तक ये आंदोलन आगे जाएगा। और ये चुनाव में हमने ये फैसला कर रहा है कि आने वाले दिनों में अभी जो चुनाव हुआ उसमें किसानों को बड़े पैमाने पे भाजपा को सजा देने का हो गया है। और बंगाल में भी हम फिर हमारा अपील है, तो बंगाल का भी किसान का अपील है कि भाजपा को हटाओ, भाजपा को हराओ, भाजपा को सजा दो। ये आंदोलन आगे फिर बड़ा पैमाने पे आगे जाएगा। थैंक यू साथियों। जो भगदन्ना जी का जन्मदिन मनाना है उसके लिए 17 तारीख को सिरसा हरियाणा से गाड़ियों का काफिला धुआं कला गांव के लिए टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के लिए निकलेगा। 17 रात को वहां पहुंचेगा और 18 से वहां वापसी निकलेगा राजस्थान और हरियाणा से होता हुआ। 20 तारीख को सुबह टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगा। जो भी साथी हमारे काफिले के साथ जाना चाहता है सिरसा से सुबह चलेगा काफिला 17 तारीख को और 17 रात को धुआं कला जो जहां धन्ना भगत जी की जन्मस्थली है वहां पहुंचेगा और 18 से को वहां से वापसी राजस्थान से होता हुआ हरियाणा के अलग अलग जगह से होता हुआ 20 तारीख को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगा और वहां उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। धन्यवाद। साथियों के सवाल जवाब हो तो आपने KMP का कहा था कि 11 से 11 तक एग्जाम रहेगा, लेकिन अब ये बताया गया है कि 8 से 8 को चेंजिंग किया गया, घंटे 24 के 24 रखे गए हैं। तो स्थानीय लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा टाइम अर्ली कर लिया जाए तो उसे सुविधा होगी, तो 8 से 8 में घंटे 24 है और फरीक सर अपने अगल बगल के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये टाइम चेंज किया है। क्या टाइम रहेगा सर? 8 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 8 बजे तक। यहीं पर आपके राय में 10 बजे KMP को कहां कहां से जाम किया जाएगा? टोल प्लाजा पे, पूरे KMP पे सर? जी सर। स्पेशली कल इस वास्ते ध्यान मीटिंग गल की गई है, बिल्कुल एम्बुलेंस की कोई ब्याह शादी वाली गड्डी कोई मजबूरी वास्ते कोई मर्ग वाला होंगे तो मीडिया साथी ताडे करके अंदोलन चल रहे साथी को इन्ना गुस्सा ना करे करो, बिल्कुल ध्यान रखा जाए। देखो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश की जथेबंदियों का अंदोलन है, वॉलंटियर लावांगे, तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। हमेशा आगू होंगे है जी, ये हो सकता है भी आगू वाले सारे नाकियां से जाना होंगे, हो सकता ताडे नाल ना राबता होया भी किसी का, आगू हमेशा उत्थे होंगे, इस वारी तुहानू आगू उत्थे मिलणगे। एक राजनीतिक पार्टियां जी, ये उन्होंने प्रति सवाल है, साढ़े तो संघर्ष है, हम संघर्ष लड़ रहे हैं, किसान को MSP नहीं मिल रही और कोई भी राजनीतिक दल किसानों को संजीदा नहीं है। मंडियों में जी गेहूं की फसल पहुंच चुकी है लेकिन